वो बनवाता हूँ। तो यार अभी यहाँ पे हम खाली ज़बह करवाएंगे और बाकी रुपये और इसकी कुर्बानी और ये खून काफ़ी निकाल रहे हैं। खत्म, तो हमारे सारे जानवर इसकी कुर्बानी हो चुकी है, सिर्फ एक हमारा स्पेशल जो हम लाए थे वो बच गया है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? आज फिर आ जाने एक नई वीडियो के साथ, और सबसे पहले तो आप लोगों को ईद मुबारक। और आज ईद हम तैयार हो चुके हैं, जिम भी तैयार हो रहे हैं। मैं तुम लोगों को पहले जाके अपने जानवर दिखाता हूँ। ये हम मंडी से लाए थे, वीडियोस तुम्हें मिल जाएंगी चैनल पे, जाके चेक कर सकते हो। और कल ये चोरी भी हो गए थे, तो हम बड़ी मुश्किल से इनको वापस ढूंढ के ले आए थे। और ये भी रेस्ट कर रहे हैं, हम इनको थोड़ी देर बाद कुर्बान करेंगे। थोड़ी देर बाद ईद की नमाज़ होनी है, हम जिमी को बुला लेते हैं और उसके बाद हम कसाई को लेके आएंगे। फ्रैंकलिन को कॉल कर दी थी, वो भी नमाज़ पढ़ के आ जाएगा हमारे साथ। तो जिमी को हम जल्दी से बुलाते हैं और हम चलते हैं नमाज़ पढ़ने। ये जानवर भी देख लो, इसमें एक ऊँट फ्रैंकलिन के हैं और दो बकरे भी फ्रैंकलिन के हैं और दो बैड़े भी फ्रैंकलिन के हैं। तो जब हमने कुर्बानी अच्छी की है काफ़ी। हम लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। तो भाई जिम तैयार होकर आ चुका है, अब हम जल्दी से निकलते हैं नमाज़ के लिए। नमाज़ का टाइम हो चुका है, तो हम नमाज़ पढ़ के तुम लोगों से मिलते हैं, तब सही भी आ जाएंगे। तो हाँ भाई, फ्रैंकलिन और कसाई आ चुके हैं। हाँ भाई फ्रैंकलिन, क्या हाल है? मैं ठीक माइकल भाई, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो कुर्बानी करते हैं, सही से मैं तुम लोगों को मिलवाता हूँ। तो यार अभी यहाँ पे हम खाली ज़बह करवाएंगे और बाकी ये अपनी शॉप पे ले जा के वहीं पे खाल शाल उतार के और गोश्त जो है वो गरीबों में बांट देंगे और खाल फेंकेंगे मस्जिद में। तो अब हम जल्दी से अपने जानवर को लेके आते हैं। अब हम अपने सबसे पहले जानवर को सबसे एंड में ज़बह करेंगे, अभी हम पहले इन तीनों को ज़बह करते हैं। तो जानवर को ला चुके हैं, अब ये लोग यहाँ पे जानवरों को गिराएंगे और फिर इनकी कुर्बानी करेंगे। तो ये देखो हमारा पहला जानवर ले चुका है और इसकी कुर्बानी और ये खून काफ़ी निकाल रहा है। तो ये अब हमारे वाइट वाले जानवर की बारी है, ये इसकी भी कुर्बानी हो रही है और खून काफ़ी निकल रहा है। और अब दुम्बे की बारी है, ये दुम्बे को थोड़ा आगे से नहीं काट रहा, दुम्बा ये गिरा चुका है, अभी काट रहे हैं। हम लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। अब ब्राउन वाले बैड़े की बारी है और मैं तुम लोगों को सारे जानवर तो नहीं दिखा सकता, हाँ लेकिन भी हम इनको बाहर निकालते हैं, इनकी जब कुर्बानी हो जाएगी फिर मैं तुम लोगों को चेक कराऊंगा। यार ये देखो तुम, हमारे सारे जानवर इसकी कुर्बानी हो चुकी है, सिर्फ एक हमारा स्पेशल जो हम लाए थे वो बच गया है, बाकी सारों की कुर्बानी हो चुकी है। बस तुम लोग दुआ करो अल्लाह ताला कुर्बानी को कबूल करे। तो अब हमारे स्पेशल वाले जानवर की बारी है, हमारा दिल तो नहीं कर रहा इसको कुर्बान करने का, लेकिन कोई नहीं, अल्लाह ताला के लिए कुर्बान करना पड़ता है, तो हम इसको जल्दी से ले जाते हैं। तुम देख लो यार आखिरी, तो वो काफ़ी प्यारा जानवर था और हो सकता है हम एक छोटा सा जानवर ले कर रख लें ऐसे ही, को गिरा दिया है और अब इसको कुर्बान कर रहे हैं। और मतलब मुझे काफ़ी दुख हो रहा है, लेकिन कोई नहीं यार, इसकी कुर्बानी सक्सेसफुल हो चुकी है। तो अब की कसाई ने अपनी गाड़ी बुला ली है और ये इन सारों जानवर को ले जाएगी और फिर इनका गोश्त जो है गरीबों में बांट देगी। तो इस दफ़ा हमने 4 बैरे और 2 ऊंट और 3 बकरे और 1 दुम्बा कुर्बान किया है, मतलब इसमें से 2 बैरे फ्रैंकलिन के थे और 1 ऊंट और 2 बकरे भी फ्रैंकलिन के थे, तो वो भी यहीं पे है। तुम ये देख लो जानवर जा चुके हैं और ये कून रह गए, हम इनको साफ़ करा लेंगे। और ये देखो इनका चारा ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो ये तुम्हारा हो चुका है ज़ाया, हमने थोड़ा सा ज़्यादा मंगवा लिया था, लेकिन कोई नहीं, हम इसको दे देंगे जाके किसी को जिसके पास जानवर होंगे। तो यार अब जगह काफ़ी सुनी सुनी लग रही है, लेकिन कोई नहीं। तो अब मैं तुम लोगों को फ्रैंकलिन से मिलवाता हूँ। हाँ भाई फ्रैंकलिन कुर्बानी होगी जी, माइकल कुर्बानी होगी, दुआ करें अल्लाह ताला कबूल करे।
हाँ, इंशाल्लाह अल्लाह कबूल करेगा। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।